दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी अल्टमा का। पीएलसी अल्टमा का प्राइस क्यों डंप हो रहा है, कब इसमें आपको रिकवरी देखने को मिलेगी और अभी के डेट में आपको क्या करना सही होगा अगर आपने पीएलसी अल्टमा में अपनी इन्वेस्टमेंट करी है। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम पीएलसी अल्टमा के ओवरव्यू की बात करें तो इसका प्राइस आपको $3,198 के रेंज में देखने को मिलता है। 13% के ऊपर आपको यहाँ डाउन ट्रेंड देखने को मिली है। अगर इसके हम 24 आवर के फ्लक्चुएशन की बात करें तो इसका प्राइस आपको $3,146 से लेके $3,729 के बीच में देखने को मिलता है। तो देखिए, कल भी मैंने अपनी वीडियो में आपको अपडेट किया था कि पीएलसी अल्टमा का प्राइस और भी यहाँ गिर सकता है, आप अपना जल्दी से जल्दी एग्जिट ले लें या फिर अपने कॉइन का यहाँ पे फॉर्म चेंज कर लें, मतलब पीएलसी अल्टमा को पीएलसी अल्टमा एक्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट पंप होगा आपको पीएलसी अल्टमा एक्स में देखने को मिलेगा। अगर इसके यहाँ मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 1 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको 1 मिलियन के ऊपर देखने को मिलती है। अगर इसके हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो ये आपको 4,50,000 देखने को मिलती है। सप्लाई इसकी डेली बेसिस मेंटिंग के थ्रू बढ़ रही है, तो इसके प्राइस के डंप होने के रीजन बहुत सारे हैं अभी के डेट में। एक तो पीएलसी अल्टमा की कोई डिमांड नहीं है, इस पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिस वजह से कोई भी इसकी होल्डिंग करे। दूसरी, यहाँ पे मेंटिंग के थ्रू सप्लाई मार्केट में डेली बेसिस बढ़ रही है, तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ रहा है और जितने यहाँ पे एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, उनका भी यहाँ कमीशन पीएलसी अल्टमा के रूप में ही मिलता है। तो वो क्या करते हैं, जितना जल्दी हो सके अपना एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दलालों को तो यहाँ पता है कि पीएलसी अल्टमा एक स्कैम है, इसका प्राइस कभी भी जीरो हो सकता है, इसलिए आपको इसका जो प्राइस है वो इतना डंप होता हुआ देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ अपने पीएलसी अल्टमा से पीएलसी अल्टमा एक्स को बाय करेंगे तब भी पीएलसी अल्टमा का प्राइस यहाँ गिरेगा। अब अगर इसके हम मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो ये आपको 11 मिलियन देखने को मिलता है। अगर इसके हम फ्लक्चुएशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो एक बॉटम से बॉटम जोन में जा रहा है। जैसे सेम मोमेंट हमें प्लैटिन कॉइन में देखने को मिला था, वैसे ही पीएलसी अल्टमा भी अभी यहाँ खत्म हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं पीएलसी अल्टमा 3,000 के जोन में है, उसके बाद यहाँ 2,000 के जोन में आएगा, फिर यहाँ पे 1,000 के, और ऐसे ही करते करते पीएलसी अल्टमा का जो प्राइस है आपको $0 के रेंज में देखने को मिलेगा। अब अगर इसके हम एक्सचेंज की बात करें तो अभी के डेट में देखिए आपको यहाँ पे जो 11 एक्सचेंज देखने को मिलते हैं, एक एक्सचेंज का मैंने आपको बताया था कि AAX पे इसकी जो लिस्टिंग हुई है तो वहां पे भी इसके ट्रेडिंग होगी, पर इसके साथ ही बायबॉक्स से इसके डीलिस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपका फंड पड़ा हुआ है बायबॉक्स पे तो आप 30 सितंबर से पहले पहले अपने कॉइन को सील कर लें या फिर वहां से विड्रॉ कर लें, अदरवाइज उसके बाद आपको यहाँ दिक्कत आएगी। पर अगर हम यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो धीरे धीरे देखिए कॉइनस्बिट पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रही है और बायबॉक्स पे कम हो रही है। पहले आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम बायबॉक्स पे ज्यादा देखने को मिलती थी, अब यहाँ पे धीरे धीरे कॉइनस्बिट पे आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो जितने लोगों ने भी अपने फंड को कॉइनस्बिट पे रखा हुआ है वो टोटली यहाँ एलेक्स के कंट्रोल में है, जो भी होगा कॉइनस्बिट पे वो एलेक्स के परमिशन से ही होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कॉइनस्बिट एक्सचेंज पे और देखते हैं हमें क्या करना चाहिए अभी के डेट में, क्या इसका बॉटम जोन हो सकते हैं, कैसा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा पीएलसी अल्टमा में। तो दोस्त, आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं कॉइनस्बिट एक्सचेंज पे। यहाँ पे हम पीएलसी अल्टमा का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। यहाँ अगर इसका हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आपको $3,200 के रेंज में देखने को मिलता है। 24 आवर में 15% से ज्यादा आपको यहाँ जो डंपिंग है वो देखने को मिली है। आप अगर इसका मूवमेंट देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। यहाँ एलेक्स क्या करता है कि जब प्राइस एकदम से गिरना स्टार्ट हो जाता है तब एक फेक पंप करवाता है वो पीएलसी अल्टमा में, और जितने दलाल हैं पीएलसी अल्टमा के, जितने एजेंट हैं, उसी चीज को प्रमोट करते हैं कि पीएलसी अल्टमा डेड नहीं होगा, इसमें आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। और इसके साथ देखिए आपको एक ऑप्शन मिला था कि जब यहाँ पीएलसी अल्टमा से आप पीएलसी अल्टमा एक्स को बाय करेंगे तो पीएलसी अल्टमा कॉइन की यहाँ बर्निंग होगी और उसकी जो सप्लाई है वो कम होगी, उसके साथ भी आपको पीएलसी अल्टमा में रिकवरी देखने को मिलेगी। पर अभी भी अगर हम यहाँ पीएलसी अल्टमा एक्स की बात करें तो पीएलसी अल्टमा एक्स का प्राइस आप देख सकते हैं 29 अल्टमा कॉइन के बराबर पहुंच गया है। तो जब इसका प्राइस यहाँ 13 अल्टमा कॉइन के बराबर था तब मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ अपने अल्टमा कॉइन से पीएलसी अल्टमा एक्स में कन्वर्ट कर लें अपने फंड को। अभी भी देखिए कुछ नहीं बिगड़ा, आप जितना जल्दी अपने फंड को यहाँ कन्वर्ट करेंगे पीएलसी अल्टमा एक्स में उतना ही जल्दी आपका जो यहाँ जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलेगा। मतलब आप यहाँ साफ समझें कि जो पीएलसी अल्टमा है वो यहाँ खत्म होने वाला है, मतलब उसका प्राइस या तो $100 के नीचे आ जाएगा या फिर वो गिरते गिरते एकदम से जीरो हो जाएगा। पर आपको जो 3 मंथ जो होता है क्वार्टर के, उसमें आपको पीएलसी अल्टमा एक्स में ही पंप देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई बर्निंग नहीं होती अल्टमा में, कुछ नहीं होगा,
आपको अल्टिमा का जो प्राइस है वो गिरता ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग अगर यहाँ अपने फॉर्म भी चेंज करते हैं, मतलब अगर पीएलसी अल्टिमा से पीएलसी अल्टिमा एक्स को बाय करते हैं, तब भी जो अल्टिमा का प्राइस है वो गिरेगा और जो पीएलसी अल्टिमा एक्स है इसका प्राइस यहाँ उठेगा। तो आप यहाँ जितना जल्दी ये चीज कर लेंगे, अपने कॉइन को यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, फॉर्म इसके चेंज कर लेंगे, उतना ही अच्छा आपको जो रेट है यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी देखिए आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि जो पीएलसी अल्टिमा एक्स है और जो पीएलसी अल्टिमा है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब जब पीएलसी अल्टिमा एक्स का प्राइस ग्रो करेगा तो उस टाइम आपको अल्टिमा का प्राइस यहाँ डंप होता हुआ देखने को मिलेगा, और जब यहाँ पीएलसी अल्टिमा एक्स का प्राइस डंप होगा तब आपको जो रिकवरी है अल्टिमा कॉइन में देखने को मिलेगी। ये एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। तो अभी भी अगर आपके पास फंड पड़ा हुआ है, आपका पीएलसी अल्टिमा कॉइन पड़ा हुआ है, तो आप उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। दूसरा आपको देखिए यहाँ रिकवरी कब देखने को मिलेगी, जब कम्युनिटी एकदम नेगेटिव हो जाएगी, एलेक्स को गालियां पड़ेंगी, तो वो आता है एक मोटिवेशनल स्पीच लेके, और अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता उसके बाद भी लोग उसको गालियां देते हैं, तब आपको मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिलती है, क्योंकि सारे का सारा पैसा लूट के एलेक्स ही बैठा है, तो वो मार्केट में एक फेक पंप करवा देता है। बाकी मैंने आपको बताया भी था कि कॉइन्सबिट का एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे जाके आप एलेक्स के साथ और उसकी कम्युनिटी के साथ चैट कर सकते हैं, तो वहां पे भी जाके आप अपने क्वेश्चन राइज किया करें, जिससे क्या होगा कि एक जब कम्युनिटी नेगेटिव वो देखेगा तब वहां पे मार्केट में एक होप होगा कि आपको रिकवरी देखने को मिले। बाकी देखिए जिन लोगों को यहाँ क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं है उन्हीं लोगों को यहाँ पे फंसाया गया है पीएलसी अल्टिमा में। अगर किसी को नॉलेज होती क्रिप्टो करेंसी की तो वो सबसे पहले एलेक्स की हिस्ट्री देखता, तो एलेक्स सीरियल स्कैमर है, उसके बारे में हर एक आपको जो अपडेट मिल जाएगा, चाहे आप गूगल करें तब भी आपको मिल जाएगा, और कौन कौन से कॉइन में कब कब उसने स्कैम किया है इसका भी लिस्ट आपको मिल जाएगा। पहला इनका जो कॉइन है प्लैटिन कॉइन ही आपके सामने आ जाएगा। प्लैटिन कॉइन जैसे खत्म हुआ है वैसे ही यहाँ पीएलसी अल्टिमा भी खत्म हो रहा है, और वैसे ही पीएलसी अल्टिमा एक्स भी खत्म होगा। इनके कॉइन यहाँ चेंज होते रहेंगे और जो लोग यहाँ अपनी बाइंग करेंगे उनका पैसा यहाँ फंसता रहेगा। तो अभी के डेट में देखिए अगर हम यहाँ फ्लैक्चुएशन की बात करें तो जो यहाँ अल्टिमा कॉइन का प्राइस है वो यहाँ जाएगा एक बॉटम के रेंज में, और बॉटम लगते ही आपको यहाँ पे 2000-3000 जो डॉलर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, और उस टाइम में आप अपना एग्जिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक आपको यहाँ पे जो बिग टाइप की कैंडल देखने को मिलेंगी, मतलब एकदम से प्राइस ऊपर जाएगा और एकदम से ही आपको यहाँ डंपिंग देखने को मिलेगी, तो इस टाइप का मूवमेंट आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि पीएलसी अल्टिमा अपनी रिकवरी करेगा। हाँ, अगर आप यहाँ अपने कॉइन का फॉर्म चेंज करते हैं तब आपका थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी देखिए आप लोगों को क्या लगता है पीएलसी अल्टिमा में कब तक रिकवरी देखने को मिलेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।